उसे राम के पावन अयोध्या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप एक नए भारत की नई अयोध्या बन रही है। अयोध्या के विकास कार्यों के लिए, उनकी समीक्षा के लिए मैं समय समय पर अयोध्या का विजिट करता रहा हूं। हम सब जानते हैं कि अयोध्या में पहले जो एयर स्ट्रिप थी बहुत छोटी सी थी, मात्र 178 एकड़ लैंड यहाँ पर उपलब्ध थी। इस 178 एकड़ लैंड में एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन सकता था। प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा, हम सब आभारी हैं कि आज उसे भारत सरकार ने अपनी सहमति दी और 821 एकड़ लैंड राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराने के उपरांत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। और अभी यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन हुआ है, इसके अनुरूप 15 दिसंबर तक ये नया एयरपोर्ट पूरी तरह बनकर के तैयार होगा। जो ये पहला फेज है विमानतल का, इसी के समीप जमीन पर द्वितीय फेज इस विमानतल का हम लोग शुरुआत करेंगे, जहाँ ये 6,500 स्क्वायर मीटर का विमानतल है। द्वितीय फेज 50,000 स्क्वायर मीटर का विमानतल होगा, मतलब 5,00,000 स्क्वायर फुट का विमानतल हम बनाने जा रहे हैं। अयोध्या नगरी जो राष्ट्र मानचित्र पर एक चमकता हुआ सितारा केवल नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर एक चमकता हुआ सितारा होना चाहिए, उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए हम सब कटिबद्ध हैं। और आज जो अयोध्या का भ्रमण मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में हम सबका हुआ है, हम आश्चर्यचकित हैं कि जितनी प्रगति और विकास और एक भव्य रूप अयोध्या को दी गई है। मैं अपने दिल के गहराइयों से देशवासी होने के नाते मुख्यमंत्री जी को भी अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।